आप लोग, मैं हूँ नीलम और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ बेबी कैरियर का रिव्यू और कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और वो भी अकेले। तो ईच एंड एवरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है फिशर प्राइस का बेबी कैरियर। ये मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था। एक्चुअली मैंने 3 मंथ्स पहले ही परचेज़ कर लिया था, तब मेरी एंजल 3 मंथ्स की थी। और ये है इसका मैनुअल इंस्ट्रक्शन, जिसको पढ़कर भी आप सीख सकते हैं कि इस बेबी कैरियर को कैसे यूज़ करना है। और फ्रंट में इसमें वेट दिया हुआ है कि इसमें 3.6 kg से लेकर 12 kg तक के बेबी को कैरी कर सकते हैं। और इस बेबी कैरियर का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये कुछ इस तरह से बेबी कैरियर है। और एक्चुअली इसका मेरे पास बॉक्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मैंने 3 मंथ्स पहले ही परचेज़ कर लिया था। तो और मैं इसको कई बार यूज़ भी कर चुकी हूँ, तो इसका बॉक्स मैंने उसी टाइम पर डिस्कार्ड कर दिया था। तो इसका जो कलर है वो आइवरी कलर है। आइवरी कलर एक्चुअली मुझे भी पहली बार ही पता चला। आइवरी कलर होता है जो हाथी के दांतों का कलर होता है, वो कलर होता है। इसका जो मटेरियल है वो पॉलिस्टर है, बट सॉफ्ट पॉलिस्टर है, ताकि छोटे बेबी को कंफर्ट फील होता रहे। और ये काफ़ी लाइट वेटेड है। बाय लुक ये बहुत सुंदर है। एंड इसका शोल्डर स्टेप काफ़ी वाइड एंड सॉफ्ट दिया गया है। और इसमें है काफ़ी सारे बेल्ट्स, क्लिप्स, स्टिचेस एंड बकल्स, और जिसकी हेल्प से ये बेबी को स्ट्रॉन्गली होल्ड कर लेता है। इस बेबी कैरियर से आप 3 पोजीशन में बेबी को कैरी कर सकते हो, फ्रंट साइड से, बैक साइड से और हॉरिजॉन्टल साइड से। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप फ्रंट साइड से बेबी को कैरी कैसे कर सकते हैं। तो ये बेबी कैरियर कुछ इस तरह से है, फ्रंट से एंड बैक से। कैरियर के शोल्डर स्टेप पर दिए गए हैं 2 स्ट्रॉन्ग से बकल, तो बेबी के फेस को इन या आउट करने के लिए कैरियर के बैक के दोनों बकल को अच्छे से बंद कर लेंगे। फिर आप इसको फ्रंट साइड से कैरी कर लीजिए। दोनों साइड के दोनों बकल्स को अच्छे से बंद कर लीजिए। यहाँ पे इसका एक नीचे से चिपकाने वाला पोर्शन दिया गया है, इसको चिपका के इसके ऊपर का बकल बंद कर लीजिए, फिर ऊपर के साइड का बकल बंद कर लीजिए। और ऐसा ही दूसरी तरफ भी करेंगे, नीचे का चिपकाने वाला पोर्शन चिपका देंगे और इसका बकल बंद करके ऊपर का भी बकल बंद कर लेंगे। फिर आप इसमें बेबी को रख के बेल्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बैक में एक बकल है, उसको भी लॉक कर लीजिए अच्छे से। आप इसको लॉक करने के लिए किसी की हेल्प भी ले सकते हैं या आप इसको अकेले भी लॉक कर सकते हैं। बैक साइड के बकल को खोलकर आप इस कैरियर को रिमूव कर सकते हैं। बेबी को आप बैक साइड से कैरी करने के लिए बैक साइड के बकल को खोलकर बैक को अपने पीठ पर ले लीजिए और बेबी को इसके अंदर रखकर बकल को अच्छे से बंद कर लीजिए। फ्रंट साइड का बकल को खोलकर आप बैक को आराम से रिमूव कर सकते हैं। बेबी को हॉरिजॉन्टल साइड से कैरी करने के लिए फ्रंट साइड के बकल को खोल लीजिए और फिर इस बकल को अच्छे से लगा लीजिए और शोल्डर स्टेप को एडजस्ट करके थोड़ा बड़ा कर लीजिए एंड इसको हॉरिजॉन्टली अपने ऊपर लेके स्टेप को फिर से एडजस्ट कर लीजिए। आप अकेले ही अपने बेबी को इस बैग में कैरी कर सकते हैं। सबसे पहले अपने बेबी को बैग के ऊपर लिटा दीजिए और बैग के दोनों साइड के बकल को अच्छे से बंद कर लीजिए और बैक बकल को भी अच्छे से बंद कर लीजिए। शोल्डर स्टेप को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए और बेबी को धीरे से सपोर्ट देते हुए उठाते हुए अपने ऊपर ले लीजिए। बेबी को अच्छे से होल्ड करके उठा लीजिए और बेल्ट को अच्छे से पीछे से एडजस्ट कर लीजिए।
जैसे कि आप देख सकते हैं एंजल इसमें काफ़ी इंजॉय कर रही है। और जब मैंने ये बैग ख़रीदा था उस टाइम पे एंजल बहुत छोटी थी और उस टाइम पे हम ज़्यादा बाहर भी नहीं जाते थे क्योंकि कोरोना का टाइम था, तो जस्ट वैक्सीनेशन के लिए जब जाते थे तभी इस कैरी बैग को लेके जाते थे। तो उस टाइम पे एंजल छोटी थी तो उसको कुछ समझ नहीं आता था, बट उसके बाद अब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तो अब उसको थोड़ा सा समझ में आने लगा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही है और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है। तो यही था मेरा आज का वीडियो, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलती हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।